So hello guys, welcome back to our new video. So guys, आज हम बात करने वाले हैं Real Cricket 22 के बारे में, Real Cricket 22 के अपडेट के बारे में, और अपडेट में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, सो उसके बारे में हम बात करेंगे. So guys, आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं करियर मोड के भी ऊपर. सो उसके बारे में भी एक गुड न्यूज है जो आपको वीडियो में पता चल जाएगा. सो वीडियो को एंड तक वॉच करना, कहीं भी स्किप मत करना. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं भी जानते होंगे. तो गाइस, मेरा नाम सैम है, और आपने मेरा चैनल भी कभी विजिट किया ही होगा सैम डी गेमर के नाम से. इफ नहीं किया होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से मुझे चेकआउट कर सकते हो. तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर. कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो न्यू अपडेट होने वाला है, कि उसका मेन फोकस होने वाला है ई स्पोर्ट्स के ऊपर एंड मल्टीप्लेयर के ऊपर. उसमें आपको बहुत सी न्यू चेंजेस देखने को मिल सकती है. एंड अनदर थिंग, लेट मी टेल यू दैट कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग फीचर है अभी तक का है वो है 2v2 एंड स्पेक्टेट मोड. सो सैडली मुझे कहना पड़ रहा है कि 2v2 के लिए आपको कुछ टाइम और वेट करना पड़ेगा. अप्रोक्स मान के चल सकते हैं अक्टूबर से नवंबर के बिटवीन आपको 2v2 देखने को मिल सकता है. एंड अनदर गुड न्यूज इज फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स, के पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि रियल क्रिकेट 22 में हमें कोई भी पाकिस्तान के स्टेडियम देखने को नहीं मिलता है. बट इन नेक्स्ट अपडेट उनके लिए गुड न्यूज है कि पाकिस्तान के 2-3 तक स्टेडियम्स आपको देखने को मिल सकते हैं. और गाइस, आप जानते ही होंगे कि आईपीएल का सीजन आने वाला है, तो आईपीएल का स्क्वाड अपडेट और बाकी सारे टीम्स के स्क्वाड अपडेट्स आपको इस अपडेट के अंदर देखने को मिलने वाला है. और साथ में हमें 5-7 न्यू स्टेडियम्स इस अपडेट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आईपीएल के स्टेडियम्स भी आपको डेफिनेटली इस अपडेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं. और साथ में हमें गाइस न्यू बॉलिंग एक्शंस एंड न्यू शॉट्स भी हमें देखने को मिलने वाला है. सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं करियर मोड के ऊपर. तो आपको पता ही होगा, जब से रियल क्रिकेट आया है तब से करियर मोड एक डिमांडिंग सा फीचर बन गया है रियल क्रिकेट के लिए, कि करियर मोड रियल क्रिकेट के अंदर हमें कब तक देखने को मिल सकता है. सो गाइस, एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ कि करियर मोड पे भी अब जल्द से जल्द काम स्टार्ट होने वाला है. सो गाइस, ऐसा वैसा करियर मोड नहीं होने वाला है, लेट मी टेल यू दैट इन शॉर्ट. कि ऐसा करियर मोड आपने कभी भी मोबाइल क्रिकेट गेमिंग में नहीं देखा होगा, एक ऐसा अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है. एंड इफ हम बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो गाइस और भी कुछ न्यू फीचर्स है जो आपको नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं, बट वो सरप्राइज होने वाला है सबके लिए. वो क्या फीचर्स है वो आपको अपडेट के बाद ही पता चल जाएगा. सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू रिलीज डेट नाउ, कि नेक्स्ट अपडेट हमें एग्जैक्टली किस दिन देखने को मिलेगा. सो लेट मी टेल यू दैट कि कंपनी को भी इवन कंफर्म नहीं है कि वो किस दिन अपडेट रिलीज करने वाला है. सो गाइस, यहां पे आप सोच सकते हो कि कंपनी को इवन खुद पता नहीं हो किस दिन अपडेट रिलीज करेंगे, किसी को क्या ही पता हो. सो आप बिल्कुल भी एक यूट्यूबर्स क्लिकबेट यूट्यूबर्स के ऊपर ध्यान मत दो, कुछ भी कंफर्म नहीं है. सो इफ आप गेसिंग के हिसाब चलेंगे, मार्च एंडिंग और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल बिटवीन आपको अपडेट देखने को मिल सकता है. ओ गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.